डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ बुक है, एक्सरसाइज 82 चैप्टर 17 का ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ये चैप्टर 17 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और पेपर में मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे दूँगा, इसीलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो पाई चार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो इसको खाना पसंद करते हैं, उसके फूड आइटम को दिया हुआ है, जिसमें से चाउमीन जो है 45 चिल्ड्रेन है, बर्गर है जिसमें 25 चिल्ड्रेन है, और इडली 15 चिल्ड्रेन है, राइस 10 चिल्ड्रेन, और चपाती रोटी जो है वो 5 बच्चे पसंद करते हैं। इस तरह से टोटल 100 बच्चे का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, ए टोटल ऑफ 100 चिल्ड्रेन वेयर आस्ट अबाउट द फूड दे ईट फॉर लंच। लंच में 100 बच्चे में से इस प्रकार से वो लंच खाते हैं, कुछ बच्चे ये खाते हैं, कुछ बच्चे ये खाते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको पढ़ना है, पाई चार्ट को स्टडी करते हुए, रीड इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको स्टडी करते हुए इसके जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में, सपोज द गिवन ग्रोथ चार्ट शोज द वेट ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू नेक्स्ट 4 मंथ। एक छोटा सा बच्चा का जन्म जब होता है और उसका ग्रोथ जो है बढ़ने की सिलसिला उसका 4 महीने का दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा जो है ये लाइन ग्राफ दिख नहीं रहा है, तो इसको छोटा कर देते हैं हम लोग। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है लाइन ग्राफ उस छोटे बच्चे का ग्रोथ का है। ये तो 1 मंथ यहाँ हो गया, 2 मंथ, 3 और 4 मंथ, 4 मंथ का दिया हुआ है। और ये वेट इन केजी, ये 0 से 1, 2, 3 इस तरह से उसका वेट दिया हुआ है। और इसमें लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्राफ को देखते हुए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर देना है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इसको पेपर पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं पेपर पे और यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 82 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन जो दिखाएं, 1 नंबर में पाई चार्ट दिया हुआ है और उसके अनुसार इसका आंसर जो है देना है। तो पाई चार्ट को स्टडी करना है और उसके अनुसार इसका आंसर देना है। तो 1 नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल चिल्ड्रेन लाइक बर्गर्स। तो टोटल बच्चे में से कितने बच्चे जो है वो बर्गर खाना पसंद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 चाइल्ड था तो 25 हो गया और टोटल बच्चे हैं 100, तो इतना हो गया। या फिर ये कटने के बाद 25 से अगर 100 को काट देते हैं, 25 4 जा 100, ये कट जाता है, ये 1 और ये 4 बार में। इसका मतलब है कि हम इसको 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ द टोटल। तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रेन लाइक बर्गर, जितने भी बच्चे हैं उसका 1/4 बच्चे जो है वो बर्गर खाना पसंद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल चिल्ड्रेन लाइक राइस। तो टोटल बच्चे जो हैं उसका कितना फ्रैक्शन जो है वो राइस खाना पसंद करते हैं, तो राइस खाना खाने वाले बच्चे का संख्या है 10 और टोटल बच्चे का संख्या है 100। तो ये हो गया, ये कट जाएगा इसमें से, इसमें तो 1/10, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और 1/10 ऑफ द, इस तरह से हो जाएगा 1/10 ऑफ द टोटल चिल्ड्रेन लाइक राइस। तो टोटल बच्चे में से 1/10 बच्चे जो हैं वो राइस खाना पसंद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में इसका आंसर पहले से दे दिए हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइक फूड ऑफ द चिल्ड्रेन। सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले, मतलब कौन सा फूड जो है सबसे ज़्यादा बच्चे उसको पसंद करते हैं, खाते हैं, तो चाउमीन जो है सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो इसको बच्चे सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रेन लाइक इडली देन चपाती। कितने बच्चे जो है चपाती के मुकाबले इडली खाना, कितने अधिक बच्चे चपाती के मुकाबले इडली खाना पसंद करते हैं। तो चपाती खाने वाले बच्चे और इडली खाने वाले बच्चे जो है उसको हम निकाल लेते हैं पहले। चिल्ड्रेन लाइक इडली, इडली खाने वाले बच्चे जो हैं वो 15 हैं, 15 हो गया, और चिल्ड्रेन लाइक चपाती, चपाती पसंद करने वाले बच्चे, चिल्ड्रेन लाइक चपाती 5, चपाती पसंद करने वाले बच्चे 5 हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा हम लोगों को, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे ये कर दिया माइनस, और 15 में 10 चला गया तो बच गया, 15 में 5 चला गया तो 10 बच गया, तो मतलब 10 स्टूडेंट अधिक जो है इडली पसंद करने वाले बच्चे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 more children लाइक इडली देन चपाती, 10 अधिक बच्चे जो है चपाती के मुकाबले इडली पसंद करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है।
ये है क्वेश्चन नंबर टू, सपोज द गिवन ग्रोथ चार्ट। ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ। एक बच्चे का जन्म होता है और उसके जन्म से 4 मंथ तक उसका ग्रोथ दिखाया गया उसमें मंथ बाय मंथ, तो उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट वाज द हिज वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो जन्म के समय उस बच्चे का क्या वजन था। इस क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है उसको मैं पहले ही आप लोगों को दिखा चुका हूँ, उसके अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा 4.5 kg। उसका जब जन्म हुआ था बच्चे का उसका वजन इतना था, 4.5 kg, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज हिज वेट आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद उसका वजन कितना हो गया। तो 3 महीने के बाद उसका वजन हो गया है 9.25 kg, इतना केजी हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। और सी नंबर में, इज ही गेनिंग और लॉसिंग वेट, क्या उसका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ही इज गेनिंग वेट, मतलब उसका वजन बढ़ रहा है। व्हाट वाज हिज अप्रोक्सीमेट वेट व्हेन ही वाज 3.5 मंथ्स ओल्ड, उसका वजन कितना है जब वो 3.5 महीने का है, उस समय 3.5 महीने का जब उसका उम्र हुआ तो उसका वजन कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.25 kg, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यह एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, इसके साथ यह चैप्टर 17 समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।